क्या आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है? क्या आप कोविड-19 वैक्सीन लगवाना चाहते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1 मार्च 2021 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना टीका लगवा लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए अपना रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको करना होगा अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन, और आपके पास में दो चीज़ें होना जरूरी है। सबसे पहले है गूगल सर्च, मतलब आपके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए जिसमें आप गूगल में ये काम कर सकते हैं। देन आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड या कोई भी एक ऐसी आईडी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर सके। आपको करना क्या होगा आपको गूगल में लिखना होगा www.cowin.gov.in। मैं बता दूं आपको, आप याद कर सकते हैं, को मतलब कोविड और विन मतलब जीत, कोविड पे जीत। जैसे आप ये इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा एक वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें आप रजिस्टर योरसेल्फ में आपको क्लिक करना होगा, जो येलो दिख रहा है। क्लिक करते ही आपके पास में ऐसा आ जाएगा जहां पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। आपको वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है जो उन व्यक्ति का है जो 60 साल से ऊपर के हैं और जिनको ये वैक्सीनेशन होना है, उनका मोबाइल नंबर आपने डालना है। देन उनके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें ओटीपी सेंड हो चुका है और वो उनके फ़ोन पर आएगा। तो फिर आपने उनसे ओटीपी पूछना है और ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। अब ओटीपी जैसे होगा तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके लिए आपको 180 सेकंड यहाँ पे मिलेंगे। 180 सेकंड में आपको ये ओटीपी डालना होगा। वेरीफाई हम लोग करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही है कि आपके वोटर आईडी आप कौन सी प्रकार की लगाओगे, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी सब इसमें लग सकता है। अब आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पे हमने चूज़ किया है, हम अब आधार कार्ड नंबर इसमें इनका यहाँ पर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर मैं डाल रहा हूँ, आप ये देख लीजिए कि आधार कार्ड नंबर अगर आप जब चेक करें तो आप देख कर ही आधार कार्ड नंबर डालें, कोई भी डिजीज आगे पीछे ना हो। अब इनका नाम एज इट इज़ आधार कार्ड में जो नाम है वही इसमें नाम पढ़ना चाहिए। अगर किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है तो आपको गलत ही यहाँ डालनी होगी, जो आधार कार्ड में प्रिंटेड है वही आपको डालना होगा, वरना वो वेरीफाई नहीं करेगा। देन हम यहाँ इनका जेंडर डालेंगे, मेल फीमेल अदर्स, मेल है। अच्छा, ईयर ऑफ बर्थ आपको मैं बता दूँ कि इसमें 1960 से नीचे वाले, मतलब 1960 से जो ज़्यादा उम्र के होंगे उन्हीं को ये वेरीफाई करेंगे, 1960 के बाद वालों को वेरीफाई नहीं करेंगे। अब देखिए उनका मोबाइल नंबर पे ये इंडिविजुअल इनकी डिटेल आ चुकी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इनका नाम कंप्लीट, इनका जो भी है वो इनकी पूरा स्टेटस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये बोले अपॉइंटमेंट, आपने टीकाकरण कब करवाना है, आप उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। तो हमने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, अगर सपोज कोई व्यक्ति उत्तराखंड का है बट वो अगर बाहर रहता है, दिल्ली रहता है, तो वो चाहे तो उत्तराखंड में आके अपना इम्यूनेशन मतलब अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है, या कोई बंदा बाहर का है वो चाहे तो अपने स्टेट में जाके करवा सकता है। डिस्ट्रिक्ट चमोली हमने इसमें ले लिया, पोखरी ब्लॉक ले लिया, पिन कोड इसमें ले लिया। अब इसमें देखिए यहाँ पे पोखरी हॉस्पिटल आ रहा है, इसमें और भी अवेलेबिलिटी आ सकती है अगर सपोज जहां जहां पे इम्यूनेशन हो रहा है, बट यहाँ पे केवल पोखरी हॉस्पिटल में आ रहा है। और इसमें 4 तारीख और 5 तारीख 2 दिन ही हमारे पास अवेलेबल है जब टीकाकरण होना है। तो हमने इसमें 4 नून मतलब इसमें दोपहर से पहले हमने इसमें सेलेक्ट किया और इसको हम कन्फर्म कर रहे हैं। तो हमारी डिटेल आ गई है कि आपका ये बेनिफिशरी है, जो इनका रेफरेंस आईडी आप देख लीजिए, नोट करना जरूरी होता है। आप रेफरेंस आईडी नोट करेंगे, आप हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो आपको आराम से आपका एक्सेस हो जाएगा और आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये जो रेफरेंस आईडी ये आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे, देन ये देखिए जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है और हमने इसको सेव कर लिया है, स्क्रीनशॉट खींच लिया है, हम वहाँ दिखाएंगे। और आप जब आप हॉस्पिटल जाएंगे जिस दिन आपका वैक्सीनेशन होगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल नंबर, अपने नाम या अपने रेफरेंस आईडी, तीनों से आप अपने आप को सर्च करवा सकते हैं। हमने और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोग इसमें देखते रहिएगा, रोज मैं कुछ नई वीडियो अपलोड करूँगा कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड और इसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। प्लीज़ देखें।